नमस्कार, मैं हूं कुणाल आदित्य और आप देख रहे हैं भोजपुरी अड्डा। नमस्कार, मैं हूं इनुश्री और आप लोग देख रहे हैं भोजपुरी अड्डा। मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि मैं जब भी परफॉर्म करता हूँ मेरा प्रयास यही रहता है कि दर्शकों के बीच एक नए अंदाज में आए। और इस बार मैंने थोड़ा सा वेस्टर्न लुक इसलिए पकड़ा क्योंकि बहुत हुआ धोती कुर्ता पहन के परफॉर्म करना। आज यूथ हम लोगों का मॉडर्न है तो मैं उस यूथ को रिप्रेजेंट करता हूँ और उसी तरीके से भोजपुरी को एक मॉडर्न लोग आ रहे हैं और मॉडर्न तरीके से उस चीज़ को पेश कर रहे हैं। देखिए, इन्होंने ज़्यादा फिल्में कर ली हैं। आज इनकी परफॉर्मेंस देखने के बाद मुझे बिल्कुल एहसास हो रहा है कि इन्होंने इतनी फिल्में इतनी जल्दी कैसे कर ली हैं। और इनके बहुत ज़्यादा रिहर्सल ना मिलने की वजह से, जैसे अपने ये शूट पे बिजी थी, उसके बाद जिस तरीके का आज इन्होंने परफॉर्मेंस किया है, अगर साचो भैया हम रहते तो हमसे नहीं। आदित्य भी माइंड ब्लोइंग है और बहुत अच्छा डांस करता है और वो भी बहुत सारी फिल्में कर रहा है। और बाकी आदित्य जी तो पता ही है कितने अच्छे और नेक इंसान है। अब इनके बारे में कम बोलते हैं, हम अपने बारे में ज़्यादा बोलते हैं। जी, अभी मैं फिल्मों के बारे में ये बताना चाहूँगी कि लास्ट शूट मैंने किया था जंग सियासत की, जिसमें मैंने एक मुस्लिम कैरेक्टर लड़की का रोल निभाया था। और बहुत ही प्यारा रोल है वो, और दिखाते हैं कि एक हिंदू मुस्लिम का प्यार कैसा चलता है। और जिसमें मैं एज ए हीरोइन और रविराज दीपू जी एज ए हीरो काम कर रहे हैं। और हम लोग दोनों चाहते हैं कि ये फिल्म बहुत नाम कमाए और हम लोग दोनों का बहुत नाम हो। और आप लोग ब्लेस कीजिए और भोजपुरी ऑडियंस से बस नमस्ते बोलना चाहूँगी, प्रणाम बोलना चाहूँगी और बोलूँगी कि अपना प्यार मुझे देते रहे और आशीर्वाद बनाए रखें। थैंक यू। थैंक यू।